नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ उससे सबक लेकर केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। अब कोई वहाँ के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय नहीं बन पाएगा। दरअसल ये विवाद अभी थमा नहीं है, चल रहा है। अलापन बंदोपाध्याय ने केंद्र सरकार को अपना जवाब भेज दिया है कि मैंने वही किया जो मैडम सीएम ने कहा, यानी कि मैं मजबूर था जो सीएम कहती वो करने के लिए। क्या वास्तव में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन हैं, उनकी मीटिंग उन्हें अटेंड करना चाहिए था, लेकिन वो ये सहारा ले गए कि मैडम सीएम ने जो कहा मैंने किया। अब केंद्र सरकार उन सारी संभावनाओं पे विचार कर रही है कि आखिरकार इनके खिलाफ क्या कदम उठाया जाए, क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51B है उसमें इन्हें 1 साल तक की सज़ा हो सकती है यदि वो कदम उठाया जाता है तो, लेकिन वो चैलेंज भी हो सकता है कोर्ट में। अब दूसरा कदम, यानी आगे कोई अलापन बंदोपाध्याय न बने और प्रधानमंत्री की ऐसी अवहेलना न करे, उसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठा दिया है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के ओएसडी हैं राजीव शर्मा, उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया है कि ऐसा प्रायः देखने में आया है कि जो नियुक्तियाँ होती है रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले वो तत्काल कर दी जाती है उनकी उपयोगिता को देखते हुए, लेकिन यदि वो केंद्रीय सर्विसेज ग्रुप ए है, अखिल भारतीय सेवा के हैं, तो ऐसा करने से पहले संबंधित विभाग के सतर्कता डिपार्टमेंट से वो अनुमति लेनी होगी। यानी कि यदि ये व्यवस्था पहले होती तो अलापन बंदोपाध्याय को जो मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है उसके पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग से उस पर हरी झंडी लेनी होती और ये नौबत नहीं आती, तो फिर उस स्थिति में उन्हें रिटायर ही होना पड़ता, नई नियुक्ति नहीं हो पाती। तो ये कदम उठाया है केंद्र सरकार ने, यानी अलापन बंदोपाध्याय दोनों के लिए, ममता बनर्जी के लिए, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, कहीं ना कहीं टकराव का केंद्र बने हुए हैं। और केंद्र सरकार की यदि बात करें तो उसके पास एक्शन का अधिकार है, लेकिन वो चैलेंज हो सकता है, क्योंकि जब एक बार काडर अलाट हो जाता है तो सब कुछ उसका मैनेजमेंट जो है वो राज्य सरकार से होने लगता है। और जब वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलापन बंदोपाध्याय के साथ डट करके खड़ी है, ऐसे में केंद्र सरकार कोई एकतरफा कार्रवाई कर ले ये संभव नहीं दिख रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जब किसी अधिकारी को आप डेपुटेशन पर भेजते हैं तो उसमें उस राज्य सरकार की और केंद्र की, यदि केंद्र में जा रहा है तो दोनों की सहमति जरूरी है। यदि एक से दूसरे राज्य में जा रहा है तो फिर 3 पार्टी हो जाती है, जो राज्य भेज रहा है, जो राज्य ले रहा है, और केंद्र सरकारी यदि वो अखिल भारतीय सेवा का है। तो इसमें क्या है कि राज्य सरकार की सहमति नहीं थी, एक तरफा कार्रवाई की गई अलापन बंदोपाध्याय के मामले में कि आइए और दिल्ली रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि आईएएस अधिकारी का जो काडर कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है वो डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है, सीधे वो प्रधानमंत्री के तहत आता है, एक राज्य मंत्री उसका प्रभारी होता है। तो इस मामले में ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, तो अब ये केंद्र सरकार ने कदम उठा दिया है कि अब कोई भी ऐसा करेगा तो उसके पहले सतर्कता आयोग की और सतर्कता विभाग की मंजूरी लेगा, क्लियरेंस लेगा। मान लीजिए कि उसके खिलाफ कोई केस चल रहा हो, कोई मामला हो, कोई कंप्लेंट पेंडिंग हो, जैसा कि अलापन बंदोपाध्याय के मामले में था, क्योंकि उनके रिटायर होने से पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से जो है नोटिस जा चुका था, तो उस मामले को, कंप्लेंट को पेंडिंग माना जाएगा, तो ये नियुक्ति नहीं हो पाती। लेकिन अब तो वो हो चुकी है, लिहाजा आगे कोई न बनने पाए इसलिए यह कदम उठाया गया। देखते हैं कि यह मामला कौन कौन सा टर्न लेता है और अभी इसमें कितनी राजनीति होती है, क्या यह हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल तक जाता है या यहीं इसका पट्टा छेप हो जाता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए।